नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल विदर्भ नरेटको द्वारा आयोजित होमोथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो के तीसरे दिन बड़ी मात्रा में जनता चहल पहल नजर आई, जहां विशेष सुविधाओं के सत्य विश्वास का रिश्ता बनाने वाले प्रॉपर्टी डीलर से बात की हमारे संवाददाता ने। हर बार नई बात और नए विश्वास के साथ सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य नागपुर की नामचीन प्रॉपर्टी डीलर्स वाल्के हैप्पी होम्स डेवलपर्स कर रहा है। जिस प्रकार से ललिता गोतमारे ने बताया, ग्राहक का विश्वास ही हमारी पहचान है, उसी अनुरूप हैप्पी होम्स कार्य कर रहा है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने बात की द्वारिका डीलर्स के संदीप गुहारिकर से, जिन्होंने अपने विशेष प्लान एवं योजनाओं के विषय में जानकारी दी। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, नागपुर की पृष्ठभूमि पर अपने सपनों का शहर कौन नहीं बसाना चाहता। जी हाँ, इसी उद्देश्य से नरेटको द्वारा रेशम बाग मैदान में होमोथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो आइए लेते हैं जायजा। इस वक्त हम मौजूद है हैप्पी होम्स के काउंटर पर, हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आप? ललिता गोतमारे। और किसे रिप्रेजेंट कर रही है आज आप? वाल्केज हैप्पी होम डेवलपर्स। किस प्रकार से तीन दिन आज तीन समापन हो रहा है इस होमोथॉन एक्सपो का, 6-7-8 तारीख को ये आयोजित किया गया था, क्या एक्सपीरियंस मिला, किस प्रकार का जनता का एक्सपीरियंस रहा है? दो दिन का समय जो है काफ़ी अच्छा गया हमारा, काफ़ी लीड्स हमको यहाँ पे मिली है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो फार्मर्स प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा मुनिया प्रोजेक्ट और डेगमा प्रोजेक्ट है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जो हमारा कंसेप्ट है कि हम कस्टमर को जो है उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम फ्री करा के दे रहे हैं एक टिकट के माध्यम से और रेंटल इनकम से, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है। इससे हमारी ज़्यादातर विजिट भी हुई है, साइट विजिट भी मिले और काफ़ी अच्छे लीड्स हमको यहाँ से जनरेट हुए हैं। क्या क्या न्यू स्पेशल योजनाएं आप देने वाली है और क्या स्पेशलिटी है हैप्पी होम्स की, क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, हैप्पी होम डेवलपर जो है लगातार 17 सालों से वर्किंग में है। काफ़ी प्रोजेक्ट हमने सोल्ड आउट किए हैं ये 17 सालों में। अभी जो है 2 साल अंदर में हमने फार्म हाउस में हमने पदार्पण किया हुआ है। और ये जो फार्म हाउस प्रोजेक्ट है, हम कस्टमर को जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बंगलोज बना के दे रहे, उनको फार्मलैंड दे रहे, उनको जो चाहिए जिनका सपना का आशियाना है वो आप यहाँ पे उनको क्रिएट करके दे रहे। और हमारी प्रोजेक्ट की जो फेस ये है यूनिकनेस है, यूनिक पॉइंट है, जहाँ से हम कस्टमर का रेंटल इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम टिकट के माध्यम से उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्री करवा के दे रहे। ग्रीनर से भरा हुआ रहा हमारा प्रोजेक्ट है, जंगल को लग के है, मुनिया प्रोजेक्ट को लग के हमारा प्रोजेक्ट है, चारों तरफ हरियाली है और काफ़ी कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट को पसंद कर रहे हैं। दर्शकों, काफ़ी सारी जो स्पेशलिटीज़ है हैप्पी होम्स दे रहा है, देखते हैं क्या है, आगे भी जायजा लेते हैं पूरे इस होमोथॉन एक्सपो का। दर्शकों, अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं द्वारका डिज़ाइन के काउंटर पर, जहां की हमारे साथ मौजूद है संदीप सर, जिनसे हम जानेंगे तीन दिन का पूरा जायजा। सर, तीन दिन आज समापन है इस होमोथॉन एक्सपो का, कैसा लग रहा है और सबसे खास बात की क्या रिस्पॉन्स मिला है? शुरुआत तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया हुआ है हमारे यहाँ पे। और एक टेंटेटिवली फर्स्ट डे में भी काफ़ी अच्छे लोग थे, सेकंड डे में भी काफ़ी अच्छे लोग थे। और संडे, संडे इज़ अ बम्पर डे, संडे इज़ अ हॉलीडे, अब कितने लोग आते हैं क्या आते हैं ऊपर वाला ही जाने, पर मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है आज के दिन में। अभी इवनिंग पूरी बाकी है, आफ्टरनून बाकी है, काफ़ी अच्छे लोग आ सकते हैं। क्या क्या विशेषताएँ दे रहे हैं आपके बोल सकते हैं क्लाइंट्स को? बेसिकली मेरा प्रोडक्ट सारे के सारे वर्धा रोड ही स्थित है, जैसे शंकरपुरा हो गया, बेड़ाहरी हो गया, वर्धा रोड पे जामठा हो गया, यही सारी तरफ हमारे लेआउट्स और काफ़ी क्रीम लेआउट्स है। मिनिमम हमारे प्लॉट साइज़ 1,000 स्क्वायर फीट से शुरुआत है, एक मिनिमम 6,000, मैक्सिमम 6,000 तक के, और सारे के सारे पॉकेट साइजेस प्लॉट है, जो मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास के पॉकेट में कम्फर्टेबल जोन में आ सकते हैं। और शुरुआत हमारे यहाँ पे 1,550 रुपये स्क्वायर फीट से, यानी 15 लाख से हमारे यहाँ पे प्लॉट की शुरुआत हो जाती है। आने वाले समय का हमारा एक प्यारा लोकेशन है द्वारका रुचि 11 और 12, जो एक टेंटेटिवली 21 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सारी एमिनिटीज़ फुलफिल करके दे रहे हैं। 25 नंबर्स ऑफ एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं उसके अंदर, NMRDA सेंशन दे रहे हैं, बैंक फाइनेंस अवेलेबल है। और स्पेशल एमिनिटीज़ तो हमारे यहाँ पे क्रिकेट टर्फ ग्राउंड, जॉगिंग स्ट्रीट, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्लब हाउस, ये सारी फैसिलिटी हम वो लेआउट में दे रहे हैं।
और काफ़ी अच्छा लेआउट है। टेंटेटिवली 350 ऊपर फैमिली हम वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं और लोकेशन काफ़ी करीब है। जामठा में हम देखते हैं माउंटफोर्ड स्कूल है, जस्ट एक माउंटफोर्ड स्कूल और धोनी एकेडमी को लगा हुआ मेरा ये लोकेशन आएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग का शहर हमारा नागपुर, उसी बीच आयोजित इस होमोथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो में खुद की यूएसपी जनता का विश्वास बताने वाले भूमेश रिलेटर्स के सुनील आसरे जिनसे बात करते हुए प्रॉपर्टी क्षेत्र की नई नई योजनाओं के विषय में हमें पता चला जो भूमेश रिलेटर्स अपने ग्राहकों को मुहैया कराते हैं। बिल्डिंग क्या सर, क्या स्पेशलिटी है आपकी भूमेश रिलेटर्स की ताकि आप बोल पाए क्लाइंट्स का, क्या रिस्पांस मिला है 3 दिन की? सर हमारे जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है, फुल डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, आरएल सैंक्शन एनएमआरडीए सैंक्शन प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है इन फ्यूचर वहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट है, जो कि समृद्धि हाईवे और वर्धा रोड से शंकरपुर से लेके और जामटा से लेके समृद्धि हाईवे स्टार्टिंग पॉइंट तक के, यानी पूरे रोड पे हमारे अप्रोच प्रोजेक्ट है। वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों भी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है और बहुत अच्छी तरह से हमारा 10 से 12 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू है और कम से कम 4000 लोग हमारे जुड़े हुए हैं और 4000 लोगों ने हमारे प्लॉट से प्लॉट लिए हुए हैं और सब लोग हैप्पी है। क्या नई यूएसबी देना चाहते हैं आप और क्या दे रहे हैं जनता को? हम दे रहे हैं जनता को हमारा विश्वास और दूसरी बात हमारा जो कंपनी है भूमेश रियल्टर्स, वो कंपनी ब्रांड कंपनी है और गए 5-6 साल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बेचे हैं और दूसरी बात हमारा विश्वास लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसके कारण हमारा ब्रांड नेम चलता है भूमेश रियल्टर्स। दर्शकों, ब्रांड पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो देखते हैं किसका विश्वास जीतता है और देखते हैं पूरे जो एक्सपो में है। एक्सपो हमने देखा रेशिमबाग मैदान में, सपनों का शहर बसाने वाले लोग यहां उपस्थित थे बड़ी संख्या में। 3 दिनों का जो प्रतिक्रिया है मिली, वहाँ प्रतिक्रियाओं के अनुसार 3 दिनों में काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स इस होमोथॉन एक्सपो को मिला है। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरडको विदर्भ द्वारा आयोजित इस होमोथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो में काफ़ी बड़ी मात्रा में जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिली। जिस प्रकार से बड़े बिल्डिंग्स का शहर की कल्पना हम जिस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से ही इस भविष्य का निर्माण कहीं ना कहीं ऐसे होमोथॉन एक्सपो द्वारा होगा, यही कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिक्रियाएँ हमें मिली है और यही विश्वास यहाँ दृढ़ होता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।